प्यारे दोस्तों, टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के डेट में यानी कि 14 फरवरी 2024 के डेट में बिहार स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कई सारे बड़े अपडेट जारी कर दिए गए हैं, जहां पर कि नई बहाली से लेकर के BTSC एनिम 10,700 की रिकॉर्डिंग में भी कुछ अपडेट्स बताने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ में जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं जानकारी BTSC एनिम 10,700 से। सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, जो कि बिहार के नए स्वास्थ्य मंत्री सम्राट चौधरी हैं, संविदा एनिम से मिली हैं, जो उनका मुख्यतः मांग थे उन्होंने उनको बताया है। ये आप वीडियो क्लिप सबसे पहले देख लीजिए। नहीं जाना है उसका, फिर आपसे बात करके जो आप कहिएगा उसी को हम बात करेंगे। परसों कै बजे भैया? परसों आप हमसे मिलिए 2 बजे दिन। परसों साथ हाउस है भैया, मांग पत्र। परसों भैया मांग पत्र आइजा दीजिए। एनएम बहनों ने यहाँ पर बिहार के नए स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर उनसे मुलाकात की है। वहां पर उनके द्वारा यही बताया गया कि परसों आइएगा, हम लोग डिटेल्स में सभी चर्चाओं पर बात करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट बिहार संविदा एनिम की तरफ से आ रहा है। जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, एक लेटर जो कि इनके द्वारा निकाला गया है, जो कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री यानी कि उप मुख्यमंत्री जो अभी के समय में सम्राट चौधरी हैं, उनको सौंपा जाएगा। अब ध्यान से इसमें अपडेट पढ़ लीजिए, क्या क्या दिक्कतें एनएम को अभी सामना करना पड़ रहा है उसके बारे में एकदम डिटेल्स में बताया गया है। किस प्रकार से बहाली में पहले बात किया गया था काउंसलिंग को लेकर के, और फिर उसी बहाली में 2023 का नियमावली थोपा गया है, और इसमें एग्जाम का बात किया गया है। अब इसी को लेकर के पूरा यहाँ पर मैटर को लेकर के ये जो पत्र है वो यहाँ पर हो सकता है कल सौंपा जाएगा यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री को। अब जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। साथ में जो संविदा एनएम है वो भी परमानेंट करने को लेकर के मांग कर रहे हैं। 865 एनएम जो कि वैकेंसी आई थी एनएचएम के माध्यम से, उनका भी यही कहना है, ना ही हम एनएचएम के कर्मचारी हैं, ना ही हम एनयूएचएम के कर्मचारी हैं, हम लोग बिहार राज्य के अधीन है, जिसके वजह से हमें सैलरी भी इंक्रीजमेंट होता है तो नहीं फायदा मिलता है, और भी कई सारी चीजों को लेकर के कि हमें परमानेंट किया जाए और राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, उसके रूप में यहाँ पर उनका भी यहाँ पर मांग है दोस्तों। और जैसा कि आप सभी को पता होगा, 15 तारीख को जो अपडेट्स आ रहे थे, ऑफिशियली नोटिस के माध्यम से अपडेट दिया गया था कि 15 तारीख को सुनवाई होगा, लेकिन अगर आप ऑफिशियली वेबसाइट पे आते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर जो आप लोग का केस की रिगार्डिंग में था उसका लिस्टिंग नंबर नहीं आया है। मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार हो सकता है कि कल के डेट में लिस्टिंग ना हो, यानी कि सुनवाई ना हो। अब जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद बात करने वाले हैं बिहार में बजट पेश हुआ उसको रिकॉर्डिंग में। तो बिहार में जो बजट पेश हुआ वो जो कि 2023 के मुताबिक यानी कि पिछले वर्ष के मुताबिक, इसमें कई हजार करोड़ का इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। सबसे ज्यादा पैसा जो कि शिक्षा विभाग की तरफ लगाया जाएगा, करीबन यहाँ पर आप देख सकते हो 52,639 करोड़ रुपए का यहाँ पर लागत किया जाएगा। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग में भी अच्छे खासे यहाँ पर पैसे दिए जाएंगे। लगभग तीसरे नंबर पर स्वास्थ्य विभाग आ रहा है, यानी कि अच्छा खासा स्वास्थ्य विभाग में भी यहाँ पर वित्त विभाग ने स्वास्थ्य विभाग को भी बजट अलॉट किया है। अब दोस्तों, कुछ बहालियों को लेकर के मैं बात करने वाला हूं, जो कि अभी के समय में केंद्रीय विद्यालय के माध्यम से भर्तियां आ रही है। नर्स के लिए वैकेंसीज हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो ध्यान से समझते चलिएगा। और ये सभी जो जो भी मैं बताने वाला हूँ सभी का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पर भी आप लोग ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी वैकेंसीज को भी आप लोग को आवेदन जरूर से जरूर करना चाहिए, क्योंकि वॉक इंटरव्यू होता है, डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के आधार पर बहाली में चयन किया जाता है। तो यहाँ
यहाँ पर भी देख सकते हो, ये जो वैकेंसी आप देख रहे हो केंद्रीय विद्यालय, जो कि पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 गया के माध्यम से निकाला गया है, ये जो कि पहाड़पुरा केंट गया का है, जहां पर कि देख सकते हो नर्स के लिए वैकेंसी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स एएनएम जीएनएम कोर्स किए हुए हैं, कोई भी नर्सिंग फील्ड से एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग, आप इस भर्ती में आवेदन कर पाइएगा। आपको इंटरव्यू में जाना है 25/2/2024 यानी रविवार को, टाइमिंग सब कुछ यहां पर बता दिया गया है, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ वहां पर उपस्थित होना है। मानदेय कितना मिलेगा सब कुछ आपको वहीं पर बता दिया जाएगा। तो अच्छा खासा सैलरी पैकेज मिलेगा, करीबन आपको 15K प्लस यहां पर मिलेंगे, यानी कि 15,000 से अधिक वेतन मिलेगा दोस्तों। साथ ही में पीएम केंद्रीय विद्यालय यानी कि दानापुर केंट के माध्यम से भी बहाली यहां पर जारी किया गया है, जहां पर कि डॉक्टर नर्स डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि डीईओ के लिए भी वैकेंसीज यहां पर रखे गए हैं। आप यहां पर देख सकते हो आप सभी का इंटरव्यू जो कि होने वाला है वो यहां पर शुक्रवार को है। यहां पर देख सकते हो 23 फरवरी को सुबह 9 बजे से दस्तावेज आप लोग वहां पर जाकर के जमा करना होगा, इंटरव्यू के आधार पर यहां पर भी चयनित किए जाओगे। तो 2 अच्छी खासी वैकेंसीज आ चुके हैं, और भी मैंने प्रीवियस वीडियो के माध्यम से भी केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी का अपडेट दिया था, लगातार केंद्रीय विद्यालय माध्यम से वैकेंसीज आ रही है जो मैं आप लोग को अपडेट दे रहा हूं। अगर आपको जानकारी पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। मिलते दोस्तों कोई इशू में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।